सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। गुजरात में विधानसभा चुनाव की रेत ठंडी नहीं हुई, फिर से पार्टियों में तनातनी दिखने लगी। गुजरात में 1127 ग्राम पंचायतों के लिए हुए चुनाव के नतीजों की घोषणा के दिन सत्तारूढ़ बीजेपी और विपक्षी कांग्रेस ने अपनी अपनी पार्टियों की जीत का दावा किया। गुजरात राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा है कि 1425 ग्राम पंचायतों में चुनाव कराए जाने से लेकर 295 पंचायतों में सरपंच का चुनाव मतदान से पहले ही निर्विरोध हो गए हैं। राज्य के 1127 ग्राम पंचायतों में 4 फरवरी को सरपंच और पंचायत सदस्यों के चुनाव हुए थे और परिणामों की घोषणा मंगलवार की गई। ग्राम पंचायत की घोषणा पार्टी के टिकटों पर नहीं लड़े जाते हैं, पर परिणामों की घोषणा के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जीतू बघानी ने दावा किया कि उसने 75-80% ग्राम पंचायतों में जीत दर्ज की है। गुजरात कांग्रेस के प्रवक्ता मनीष दोषी ने कहा है कि 70% निर्वाचन सरपंच और पंचायतों के सदस्य विपक्षी पार्टी से जुड़े हुए हैं। बता दें कि रविवार को गुजरात ग्राम पंचायत चुनाव के लिए मतदान हुए थे। गुजरात पंचायत चुनाव के दौरान 33 जिलों में 4 बजे तक 73% मत हुए थे। SPN 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।